उत्तर प्रदेश के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लापरवाही की हद का मामला सामने आया है। आईसीयू में अंबु बैग से ऑक्सीजन देने से मरीज की मौत। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। मेडिसिन विभाग के आईसीयू में अचानक बिजली चली जाने से वेंटिलेटर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर हृदय गति व सांस ठीक करने के लिए रोगी को अंबु बैग से ऑक्सीजन देने लगे, लेकिन रोगी की जान नहीं बच पाई। हालांकि कॉलेज प्रशासन का दावा है कि बिजली जाने की स्थिति में पर्याप्त बैकअप रखा गया है। फिलहाल बैकअप काम नहीं कर रहा था और अंबु बैग से ऑक्सीजन देने की नौबत आ गई। देवैया के टड़वा गांव में 45 वर्षीय करताराम सिंह को स्वजन ने उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन वार्ड नंबर 14 में 3 दिसंबर को भर्ती कराया था। अचानक शाम को बिजली चली जाने से मरीज को अंबु बैग से ऑक्सीजन दी गई, इसी दौरान मरीज की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि 3 दिन बाद हम लोग संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रचारक डॉक्टर गणेश कुमार ने कहा कि अभी तक इस मामले में किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। आईसीयू में बिजली जाने की स्थिति के लिए बैकअप की व्यवस्था की गई है। कोई डॉक्टर रोगी की जान बचाने की कोशिश करता है, शिकायत मिली तो जांच कराई जाएगी, इससे यदि डॉक्टर की लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी।